brought to you by ITIL. शनिवार की सुबह आप अपने घर पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, इतने में आपके मोबाइल पर एक SMS की घंटी बजती है। आप SMS खोलकर देखते हैं तो पता चलता है कि आपकी गाड़ी नो पार्किंग एरिया पर खड़ी थी, इसलिए उस पर 500 रुपए का चालान बन गया है। SMS देखते ही आप घर के सामने खड़ी अपनी गाड़ी पर नजर डालते हैं और सोचते हैं कि ये मैसेज जाली होगा, क्योंकि मेरी गाड़ी तो यहीं पर खड़ी है। आप मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। फिर संडे की शाम आप घर के लिविंग रूम में बैठे पकौड़े खा रहे हैं, फिर से एक मैसेज की नोटिफिकेशन आती है। पता लगता है इस बार रॉन्ग साइड ड्राइविंग के लिए आप पर 1000 रुपए का चालान बन गया है, जबकि आपकी गाड़ी तो घर पर ही है। इस बार ताज्जुब ज्यादा होगा, क्योंकि ये वाला चालान एक अन्य राज्य से बनकर आया है। थोड़ी जांच करने पर पता लगता है कि SMS जाली नहीं है, सच में आपको ये चालान भरने हैं। अब आप टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि घर पर खड़ी गाड़ी में ऐसे चालान बन कहां से रहे हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा। इसी टेंशन में आप जाते हैं पुलिस के पास और पुलिस से पूछते हैं ये सब हो क्या रहा है। फिर पुलिस करती है जांच, और जांच में जो पता चलता है उससे उड़ जाते हैं होश। ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि बस इसका किरदार आपकी जगह कोई और है। कहानी है कार चोरी कर उससे ठगी करने वाली एक गैंग की, जिसमें कार्स 24 नाम की एक कंपनी का भी नाम आया है। ये गैंग जाली नंबरों से चोरी की कार बेचती थी। कस्टमर कार खरीद तो लेते थे, पर उसकी RC कभी उनके नाम पर ट्रांसफर नहीं होती थी। कस्टमर उन पर यकीन करके फर्जी नंबर से चोरी की कार का इस्तेमाल करते रहते थे। यही होती थी ठगी, ऐसी ठगी जिसका कोई भी शिकार बन सकता है। मगर ये गैंग पकड़ में कैसे आई और ठगी की इनकी पूरी प्रोसेस क्या थी, इस वीडियो में सावधानी के लिहाज से ये सारी बातें जानेंगे। मामले के शिकायतकर्ता का नाम विकास है, ये असली नाम नहीं है, हमने एक हाइपोथेटिकल नाम दिया है। विकास के पास मारुति सुजुकी की ब्रेजा गाड़ी है। विकास उत्तर प्रदेश में रहता है, इसलिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी UP के नंबर पर ही हुआ है। 3 जुलाई को विकास के मोबाइल पर अपने इसी गाड़ी नंबर को लेकर एक चालान आता है। ये चालान 500 रुपए का था और यूपी के जिले गाजियाबाद से आया था। फिर 4 जुलाई को एक और चालान का SMS आया। इस बार चालान की राशि 1000 रुपए की थी और ये इशू हुआ था अलवर राजस्थान से। अब विकास पड़ गया चंभे में, क्योंकि वो अपनी गाड़ी से अलवर या राजस्थान तो कभी गया ही नहीं था। लेकिन उसने इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया, उसे लग रहा था कि ये चालान फर्जी है। लेकिन मामला और ज्यादा तनावपूर्ण हुआ तब जब एक सर्विसिंग का टाइम आया। विकास की गाड़ी में कुछ तकनीकी दिक्कत आई, जिसे वो सुधरवाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ स्थित एक सर्विस सेंटर पर गया। सेंटर वालों ने जब उसकी गाड़ी के नंबर पर सर्विसिंग स्टेटस चेक किया तो पता चला कि इस नंबर पर तो पहले ही सर्विसिंग हो चुकी है। अब विकास को और भी ज्यादा हैरत हुई, क्योंकि वो अपनी गाड़ी को सर्विसिंग के लिए इससे पहले लेकर गया ही नहीं था। मेरठ सर्विस सेंटर वालों ने बताया कि ये सर्विसिंग नोएडा सेक्टर 63 स्थित सेंटर पर हुई है, जिसके बाद विकास ने उसी सर्विस सेंटर जाने की ठानी। जब उसने वहां पहुंचकर अपनी सर्विसिंग को लेकर सवाल किया तो सर्विस सेंटर वालों ने बताया कि निखिल खत्री नाम के एक शख्स ने इस नंबर की गाड़ी की सर्विसिंग वहां करवाई थी। निखिल नोएडा में ही रहता है। विकास ने निखिल का नाम पता हासिल कर उसे कांटेक्ट किया। जब विकास ने निखिल के सामने ये सारी बातें बताई तो पता चला कि निखिल ने मई 2024 में कार्स 24 नाम की एक कंपनी से कार खरीदी थी। निखिल की ये कार और विकास की अपनी कार, दोनों कारें बिल्कुल एक जैसी हैं, नंबर भी एकदम सेम। विकास चौंक गया। उसने निखिल से RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में पूछा तो निखिल ने बताया कि कार्स 24 वालों ने कई महीनों से RC उसके नाम पर ट्रांसफर नहीं किया है। ये सब देख और सुनकर विकास का सिर चकरा गया। फिर उसने मांगी पुलिस की मदद। 22 सितंबर को नोएडा सेक्टर 63 पुलिस स्टेशन को एक लेटर लिखा गया, जिसमें इस मामले की सारी जानकारियां थी। फिर नोएडा पुलिस ने तहकीकात शुरू की, संबंधित गाड़ी नंबर से कितनी गाड़ियां बेची खरीदी गई हैं और इससे किन किन खातों में पैसे आए हैं, इसका पता लगाया गया। इसमें जानकारी मिली कि कार्स 24 के जरिए संकेत, कुलदीप, अभिषेक और अमन के खातों में लाखों रुपयों का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये सारे पैसे जाली नंबर की गाड़ी को बेचकर आए थे। पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित कार्स 24 के हेडक्वार्टर में जाकर तफ्तीश की। जांच में पुलिस ने ऐसी गाड़ियों को मार्क किया जो पिछले 2 सालों में बेची खरीदी गई हों, लेकिन अब भी उनकी RC ट्रांसफर नहीं हुई। फिर इन विवादित गाड़ियों को जिन लोगों ने खरीदा था उनके नामों की एक लिस्ट बनी। बारी बारी से इन लोगों को पुलिस ने कॉल किया और उन्हें मामले की जानकारी दी। फिर पुलिस ने उनसे अपनी अपनी गाड़ियां बुलवाई और उन्हें नोएडा सेक्टर 63 पुलिस स्टेशन के यार्ड में खड़ी करवा लिया। जब इन गाड़ियों को पुलिस ने स्कैन करवाया तो पता चलता है कि 7 गाड़ियों की क्लोनिंग हुई है। क्लोनिंग यानी उनको हूबहू एक समान बना देना।
क्लोन की हुई इन गाड़ियों के इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी बदलकर एक समान कर दिए गए थे। पुलिस ने ऐसी विवादित गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। जब आरोपी यानी कुलदीप यादव, अभिषेक कुमार, संकेत सिंह और अमन कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो मामले में और भी डिटेल सामने आई। उन लोगों ने बताया कि ये सभी गाड़ी उनके 5 अन्य साथी पुरु, मोहसिन, कुंदन गिरी, जयंत उर्फ जीना और नौशाद ने चोरी की थी। गाड़ियों को क्लोन भी इन्हीं लोगों ने किया था और कार्स 24 पर बेच दिया था। आरोपियों ने कहा कि बिक्री का पैसा बस हमारे खातों में आया है, बाकी सारा काम इन अन्य 5 लोगों का किया धरा है। फिर नोएडा पुलिस ने जब इन 5 लोगों के बारे में जांच पड़ताल की तो पता चला ये 5 पहले से ही इसी तरह के एक अन्य मामले पर तिहाड़ जेल में बंद है। जिस केस में वो जेल गए हैं वो दिल्ली पुलिस के पास रजिस्टर्ड है। ज्यादा जानकारी दी DCP शक्ति मोहन अवस्थी ने। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। 4 लोग वो हैं जो पहले दिल्ली पुलिस द्वारा क्राइम ब्रांच से जो 5 लोग भेजे गए थे उनके साथी हैं और इनके द्वारा पेमेंट्स कराए गए। इनके द्वारा कुछ इन्होंने पेमेंट्स लिए जो कास्ट 24 को दिए गए और इनमें जो 2 लोग अन्य गिरफ्तार हुए जिनका नाम कुलदीप और संकेत है, ये कास्ट 24 में जो पहले लोग गिरफ्तार ऑलरेडी हो चुके थे उनके साथ ही हैं। अभी तक हमें 7 गाड़ी गिरफ्त मिली हैं और इनके पास से जिन गाड़ियों की कीमत करीब करीब 1,20,00,000 है। इसमें जो पहले 5 अभियुक्त दिल्ली पुलिस ने जो जेल भेजे हुए हैं वो भी हमारे केस से वांछित बने हुए हैं। वो 5 लोग वो हैं जो कास्ट 24 में नौकरी करते थे और उसके अलावा 2 लोग हैं जिन्होंने ये गाड़ी चोरी करी थी और एक व्यक्ति वो है जिसने इस पूरी डीलिंग कराई थी। तो ये पूरी 9 लोग की गैंग है जो हमने वर्कआउट करी है। ये लोग टेक्निकल काम देखते थे और जो गाड़ी के चेसिस नंबर बदले गए हैं वो बहुत ही बारीकी से बदले गए हैं। उसमें जो आपको हम लोग वीडियो सप्लाई करेंगे जिसमें कास जो बिल्कुल ऊपर से देख के नहीं पता लगता है कि कास चेसिस नंबर चेंज हुआ है, लेकिन बहुत ही बारीकी से चेंज हुआ है। तो ये लोग वही लोग थे जो वहाँ पर रहकर नौकरी करके चेसिस नंबर चेंज वाली पेमेंट कार 24 के अकाउंट में आती थी, बिचौलियों के द्वारा होती थी। जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है इसमें आपके वो लोग जिनके द्वारा ये पेमेंट हो रहे थे उनको हमने ऑलरेडी गिरफ्तार किया होगा। पूछताछ में पता चला कि जयंत कुमार कार्स 24 का कर्मचारी है जबकि कुंदन गिरी कार्स 24 में पहले काम किया करता था। कुंदन के साथी मोहसिन, पुरु और नौशाद कार चोरी करने का काम करते थे और क्लोन भी वही करते थे। फिर चोरी के बारे में वो कुंदन को बताते थे जिसके बाद कुंदन इन गाड़ियों को लेकर कार्स 24 में बेचने के लिए जाता था। जाहिर है कि एक कंपनी अगर कोई गाड़ी खरीदेगी तो बिना निरीक्षण के तो खरीदेगी नहीं, तो कार्स 24 में इस निरीक्षण का काम कुंदन का साथी जयंत कुमार किया करता था। निरीक्षण में वो चोरी कर क्लोन की हुई गाड़ियों को पास कर देता था और इसके बाद कार्स 24 कुलदीप, अभिषेक, संकेत और अमन के खातों में पैसे ट्रांसफर कर देती थी। पैसा आने के बाद उसे बांट लिया जाता था और चूंकि गाड़ियां चोरी की होती थीं और क्लोन की हुई थीं तो RC ट्रांसफर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए फिर वैसी ही घटनाएं होती थीं जैसी विकास और निखिल के केस में हुई। वैसे यहां एक बार और स्पष्ट कर दें कि शिकायतकर्ता का असली नाम विकास नहीं है। बहरहाल कार चोरी और फ्रॉड का यह तरीका जानना जरूरी है ताकि इससे सावधानी बरती जा सके, खासतौर पर तब जब आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी या यूज गाड़ी खरीद रहे हो। मामले में ध्यान देने वाला एक पहलू यह भी है कि अमूमन हम किसी नामी कंपनी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, अब ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि किसे पता कब कौन सी कार्स 24 जैसी कंपनी में जयंत कुमार और कुंदन गिरी जैसे कर्मचारी मिल जाएं। यानी यूज्ड कार्स चाहे किसी व्यक्ति से खरीदें या किसी कंपनी से, बिना प्रॉपर जांच किए, बिना RTO से और बिना पुलिस से पता लगाए कोई भी ऐसी खरीद नहीं करनी है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है शेख नाविद और कैमरे पर मेरे साथ हैं अमित। जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।